हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स टू केएस एजुकेशनल। आज हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग पजल देखना है। कंफ्यूजिंग मैंने इसीलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर आपको दो तीन लाइन ऐसा मिलेगा जो कि लिटरली कंफ्यूज करता है। अगर आपका ये पकड़ आ गया तो डेफिनेटली आपको ऐसा पजल में दिक्कत नहीं होगा, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है SBI में ऐसा पजल आता ही आता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पजल पर बात करना है। पजल का हिंदी और इंग्लिश दोनों पार्ट मैंने आप लोगों को दिया है, आप लोगों को पहले खुद से कोशिश करना है। टाइमर का यूज कीजिए और देखिए पजल का हिंदी पार्ट ये है। और देखिए आप टाइम मेंशन किया कीजिए कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या टाइम लग रहा है। ज़्यादा लगेगा तो डेफिनेटली आप धीरे धीरे यहाँ पर से इंक्रीज करेंगे, लेकिन टाइम मेंशन किया कीजिए। ये देखिए हिंदी पार्ट मैंने दिखाया, पजल के इंग्लिश पार्ट पर मूव करते हैं। कुछ वर्ड मैंने इसीलिए बोला था क्योंकि अगर आप देखें तो मेंशन रहता है गौरव लीव्स थ्री फ्लोर बिलो पुनीत। ये जो वर्डिंग है ना थ्री फ्लोर बिलो पुनीत, ये आपको कन्फ्यूज करता है अगर आपका इसमें पकड़ नहीं है। फिर देख लीजिए हु लीव्स फोर फ्लोर बिलो हिम, फोर फ्लोर बिलो हिम। बाकी ये पजल में बहुत दम नहीं है, बहुत जल्दी बनाया जा सकता है, लेकिन कुछ वर्डिंग है इसमें जो कि लिटरली आपको कन्फ्यूज करेगा। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके SBI के पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद से कोशिश कीजिए पहले और फिर हम सब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। देखिए पजल में क्या बताया गया है, आपका पजल में बताया गया है सिक्स पर्सन है राजीव, सुनील, किशन, पुनीत, गौरव एंड अर्जुन लीव ऑन द सिक्स डिफरेंट फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द फ्लोर नंबर 1 टू फ्लोर नंबर 6 एंड नो टू पर्सन हैव द सेम एज अमंग देम। किसी भी दो पर्सन का सेम एज नहीं होगा उन सभी में। एंड दे अबाउट सिक्स डिफरेंट थिंग्स ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, दिवाली पर सिक्स डिफरेंट थिंग्स खरीदा जा रहा है विच आर मोबाइल, फ्रीज, बाइक, LED TV, माइक्रोवेव एंड द लैपटॉप, बट नॉट इन द सेम ऑर्डर। Persons, information देखिए यहां से स्टार्ट हो गया था। Person who bought bike live on one of the even number of the floor। चलिए एक छोटा सा information दिया गया है bike से related, ठीक है। तो bike के बारे में क्या बताया गया है, even floor पे होगा, छोटा सा information था। The person who bought fridge is 22 year old and live on the top floor। चलिए एक डेफिनेट इंफॉर्मेशन है, अगर टोटल 6 फ्लोर है तो मैंने ये 6, 5, 4, 3, 2, 1 ये ले लिया। अब टॉप फ्लोर पे क्या बताया गया है, जिस पर्सन के पास फ्रिज होगा वो टॉप फ्लोर पे है, और इसकी एज भी आपको मेंशन की गई है, मतलब क्या हो गया टोटल 22 ईयर का एज है, अब कोई होगा ये पर्सन, ठीक है। बट वी हैव टू फाइंड दिस लेटर। राजीव एज इज 2 ईयर मोर देन द हाफ एज ऑफ द पर्सन हु लिव फोर फ्लोर बिलो हिम। देखिए राजीव के बारे में एज दिया गया है 2 साल ज्यादा होगा किससे, जो कि 4 फ्लोर नीचे होंगे। अब जो आपने ये इंफॉर्मेशन देखा, यही इंफॉर्मेशन इस पजल को थोड़ा इंपॉर्टेंट बना देता है। दिया गया है राजीव का एज 2 साल ज्यादा होगा किससे, 4 फ्लोर बिलो, मतलब ऑन द फोर्थ फ्लोर, ठीक है। द पर्सन एज ऑफ द पर्सन हु लिव फोर फ्लोर बिलो हिम। सपोज आपका राजीव का एज जो भी हो जाए, ठीक है, ये हाफ होगा किसके, 4 फ्लोर, मतलब 1, 2, 3 एंड ऑन द पर्सन हु इज ऑन द फोर्थ फ्लोर, 1, 2, 3, 4 राजीव से नीचे चौथे फ्लोर पर। क्लियर है ये चीज, इसका मतलब ये होता है क्या, ऑन द फोर्थ फ्लोर। अब इस फोर्थ फ्लोर पर जो भी पर्सन होगा इसका हाफ कर दिया जाएगा, प्लस 2 कर दिया जाएगा, ये आपका क्या राजीव का एज निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, नाइदर अर्जुन नॉर पुनीत बाउट एन LED TV, नहीं किसके बारे में इंफॉर्मेशन है, अर्जुन के बारे में है और नहीं पुनीत के बारे में है, इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है क्या, LED TV तो नहीं लिया गया है, LED TV नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है गौरव लीव्स 3 फ्लोर बिलो पुनीत, बोथ डू नॉट लिव ऑन आइदर ऑफ द एक्सट्रीम फ्लोर। अच्छा दोनों ही क्या एक्सट्रीम पे नहीं होंगे, मतलब 6 पे नहीं हो सकते और फर्स्ट पे नहीं होंगे। एक चीज इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, गिवन ये है कि नाइदर अर्जुन नॉर पुनीत LED TV होगा और गौरव लिप्स 3 फ्लोर बिलो। चलिए पुनीत जहां पर भी होगा उसके 3 फ्लोर बिलो होगा, अगर पुनीत टॉप पे नहीं होगा, अगर यहां पर पुनीत हो जाता है तो फर्स्ट, सेकेंड ऑन थर्ड फ्लोर, 3 फ्लोर बिलो का मतलब क्या हो गया, ऑन थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर पर अगर पुनीत को आपने यहां पर लिया तब जाके यहां पर हो रहा है, अगर पुनीत को आप फोर्थ पे लेते हैं तो फिर क्या होगा, गौरव फर्स्ट पे हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों एक्सट्रीम पे नहीं हो सकते हैं। तो बिल्कुल ये बात कंफर्म है कि पुनीत जब भी होगा तो ये 5th फ्लोर पर ही हो सकता है, एंड गौरव के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो जब भी होगा तो वो क्या 1st फ्लोर पे ही होगा। तो गौरव का पोजीशन आपको क्लियर हो गया, बस यही छोटा सा इंफॉर्मेशन इसमें समझना है। And both do not live on the extreme of the floor. Person who bought a mobile live 3 floor below one who is 27 year old.
देखिए क्या बताया गया है, पर्सन 27 ईयर ओल्ड के किसके, क्या इंफॉर्मेशन, पर्सन हु अबाउट ए मोबाइल लिव्स थ्री फ्लोर बिलो, तो 27 ईयर पर्सन थ्री फ्लोर बिलो मतलब 1, 2 एंड 3 ऑन थर्ड फ्लोर, यहां पर भी वही चीज हुआ था आपका पुनीत 1, 2 एंड 3। अच्छा ये गौरव को फर्स्ट पे मैंने लिख दिया क्या, लेट मी रब दिस, ये बिल्कुल गलत हो गया आपका। चलिए ऑन सेकेंड फ्लोर हो जाएगा, मतलब ये गौरव आपका हो जाएगा ऑन सेकेंड फ्लोर, तो जैसे ये कंडीशन हुआ था वैसे ही आपका क्या मोबाइल का कंडीशन हो जाएगा, मतलब क्या हो गया फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो गया। सुनील इज 25 ईयर ओल्ड एंड 10 ईयर यंगर देन द पर्सन लिविंग थ्री फ्लोर बिलो हिम, मतलब इसमें देख रहे हैं किस तरीके से कंफ्यूज किया गया है, सुनील का जो एज है, लेट मी ड्रॉ ए लाइन, सुनील का जो एज है वो क्या बताया गया है 25 ईयर ओल्ड होगा और ये 10 ईयर यंगर है, 10 ईयर छोटा है किससे, द पर्सन हु इज लिविंग थ्री फ्लोर बिलो हिम, जो पर्सन 1, 2 एंड 3, इस पर्सन का जो है 10 ईयर यंगर है, मतलब यहां पर जो एज होगा ये क्या होगा 35 ईयर, ये चीज क्या बताया गया है, सुनील इज 25 ईयर ओल्डर एंड 10 ईयर यंगर देन द पर्सन लिविंग थ्री फ्लोर अबव हिम, ये ठीक उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या सुनील नीचे हो जाएगा यहां पर, ठीक है ये चीज आपका मेंशन दिया गया था। नाउ द पर्सन हु अबाउट माइक्रोवेव लिव टू फ्लोर बिलो द पर्सन हु इज 32 ईयर ओल्ड, ठीक है सुनील के बारे में एक चीज इंफॉर्मेशन है कि 25 ईयर ओल्ड होगा, अब जो भी इंफॉर्मेशन था आपको गिवन था, अब आ जाइए कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाए। देखिए एक चीज गिवन था ये 27 ईयर ओल्ड का पर्सन हु बाउट ए मोबाइल लीव थ्री फ्लोर बिलो द वन हु इज 27 ईयर ओल्ड, ठीक है यहां पर जब आपने देखा कि फ्रिज के लिए 22 ईयर दिया गया था, 27 ईयर ओल्ड के लिए दिया गया है क्या मोबाइल होगा उसके नीचे ऑन द थर्ड फ्लोर, ठीक है 27 कहां हो सकता है टॉप पे तो होगा नहीं, अगर 27 आप पुनीत को देते हैं तो 1, 2 एंड 3 गौरव के लिए आपका मोबाइल जाएगा, अगर उसके नीचे आप 27 देते हैं तो आप क्या दे देंगे फिर नीचे दे देंगे मोबाइल, ठीक है लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ का जो बेस है वो क्या है सुनील का एज है, सुनील का एज बताया गया 25 होगा, ठीक है और यह 35 से बिलो है, बिलो है कितना ऑन थर्ड फ्लोर होगा, ये चीज जब क्लियर है तो सुनील का पोजीशन क्या होगा 35 आप यहां पर नहीं दे सकते, 35 अगर आप पुनीत को देते हैं तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां पर सुनील नहीं हो सकता क्योंकि सुनील के जगह पर गौरव हो जाएगा। अब आपके पास एक ही पोजीशन बना है कि जब नीचे कंडीशन ये बन रहा है तो 35 आप कहां या फिर सुनील को आप कहां रख सकते हैं बॉटम मोस्ट पे रखना होगा तभी आपका 25 ईयर होगा, तो 25 ईयर आप यहां पर देख के सुनील को यहां पर रखकर रख रहे हैं तो 35 ईयर कहां जाएगा ये फर्स्ट ये सेकेंड और ये थर्ड, मतलब अब जो पर्सन 35 ईयर एज होगा वो क्या हो जाएगा फोर्थ फ्लोर पे हो जाएगा। क्लियर है ये चीज कैसे आपने किया। अब नेक्स्ट आपके पास क्या बचा है कि 27 मोबाइल भी देखा जाए, 27 और मोबाइल कहां पर हो सकता है 27 पर्सन के नीचे मोबाइल होगा ऑन थर्ड पे, 27 यहां नहीं होगा, 27 अगर यहां पर होता है पुनीत के पास तो मोबाइल आपका कहां आ जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड यहां गौरव के पास आ जाएगा, फिर 27 यहां नहीं होगा और 27 आप उससे नीचे रख भी नहीं सकते हैं तो 27 आपको कहां देना पड़ जाएगा पुनीत को देना पड़ जाएगा और मोबाइल कहां पर आ जाएगा गौरव के पास, तो मोबाइल जो थिंग है वो कहां पर आ रहा है गौरव के पास। बस यही छोटा सा इंफॉर्मेशन इसमें इंप्लीमेंट करना था। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन ये भी हम लोग ले सकते हैं कि राजीव का एज है उसके नीचे जो फोर्थ फ्लोर पर होगा फोर्थ पे होगा इसका मतलब क्या होगा फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर मतलब राजीव मे बी ऑन यहां पर हो सकता है या मे बी ऑन यहां पर हो सकता है। अब एक चीज तो क्लियर है राजीव को यहां पर होने के लिए उसके नीचे फोर्थ फ्लोर का ये पोर्शन ये पोजीशन बनेगा 25 का हाफ और प्लस 2 करने पर कभी भी 27 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप राजीव को यहां पर दे देते हैं 22 तो इसका मतलब ये होगा किसी का एज 40 ईयर होगा 40 का हाफ कर दिया जाएगा दैट इज 20 एंड 20 प्लस 2 कर देने पे आपका क्या हो जाएगा दैट इज 22, लेकिन 27 क्या चीज होगा किसी का 50 एज होगा 50 का डिवीजन ऑफ 2 प्लस 2 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 27, लेकिन यहां पर क्या 50 एज पॉसिबल है नहीं है, तो 40 एज जरूर पॉसिबल है, मतलब अगर गौरव का एज आप 40 दे देते हैं तो ये पर्सन आपका क्या बन सकता है दैट इज राजीव हो सकता है। अगर ये राजीव हो गया तो देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ पे आपका वो हाफ वाला प्लस 2 का आपका ये निकल गया। अब आपके पास जो एक इंफॉर्मेशन दिया गया था
कि टू फ्लोर बिलो द पर्सन हु इज 32 ईयर ओल्ड, और ये माइक्रोवेव के लिए था। आपके पास एक ही इंफॉर्मेशन बचा हुआ है, 32 आप यहां पर रख सकते हैं क्योंकि 32 भी तो किसी का एज होगा। 32 के नीचे ऑन सेकेंड फ्लोर, टू फ्लोर बिलो का मतलब क्या हो गया, ऑन सेकेंड फ्लोर, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो यहां पर पोजिशन आपका क्या बन जाएगा, माइक्रोवेव का बन जाएगा, ये आपका माइक्रोवेव हो गया। ठीक है, जब आप ये माइक्रोवेव कर दिए तो आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन और बच गया, वो पर्सन का बचा हुआ और फिर थिंग का बचा हुआ। बाइक आपका इवन प्लेस पे होगा, इवन प्लेस पे सिक्स या फिर सेकंड पे तो हो नहीं सकता है, तो एक ही आपके पास क्या बच रहा है, बाइक ऑन थर्ड फ्लोर पे। ये क्लियर हो गया, फिर ये भी क्लियर है, सब कुछ ये क्लियर है। अर्जुन और पुनीत के बारे में एलईडी टीवी नहीं दिया गया था, तो पुनीत आपका यहां पर है, मतलब एलईडी टीवी यहां नहीं होगा, और आपके पास एलईडी टीवी का बस एक ही जगह बच रहा है, तो ये एलईडी टीवी का हो जाएगा, ये एलईडी टीवी का पोजीशन हो गया। फिर आपके पास एक पोजीशन बचा हुआ है किसके लिए, देखिए मोबाइल, फ्रीज, बाइक, एलईडी टीवी, माइक्रोवेव, लैपटॉप बचा हुआ है, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, ये लैपटॉप का पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, ये लैपटॉप क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपके पास बच गया दो पर्सन, अर्जुन के बारे में बताया गया था क्या एलईडी टीवी नहीं होगा, तो अर्जुन आपका कंफर्म है कि कहां पर हो जाएगा, 35 ईयर एज के साथ ऑन फोर्थ फ्लोर। और एक पर्सन और बच गया जो कि देखिए किशन बचा हुआ है, तो किशन का पोजीशन कहां पर आ जाएगा, ऑन थर्ड फ्लोर पे हो जाएगा किशन। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा टफ नहीं था पजल, लेकिन यहां पर जो ये आपका फंसाने वाला, जो जिस तरीके से आपका मेंशन किया गया था ऑन सेकेंड फ्लोर, ठीक है, टू फ्लोर बिलो, ये हर हमेशा कंफ्यूज करता है, तो बिल्कुल आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इस तरीके के पजल पे भी आपका क्लियर हो जाएगा, और अगर मुझे मिला तो मैं बिल्कुल आप लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो प्रैक्टिस करते रहिएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका पजल का सेक्शन स्ट्रांग होता चला जाएगा। आप सभी से बिल्कुल शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा एटलीस्ट अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दीजिएगा। एक और सेशन के साथ मिलते हैं, ताकि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, और आप लोगों का जो मोराल है, आप लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, वो और भी ज़्यादा बूस्टअप होते रहे, ताकि आपका आने वाला हर एक एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर हो।